लोकसभा चुनाव से पहले समूचा विपक्ष लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है, लेकिन अब मोदी के मंत्री भी लोकतंत्र पर खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात कही है। गडकरी ने बताया कि विचारधारा की कमजोरी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गडकरी के इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया है, तो लोकतंत्र को लेकर और क्या कुछ कहा है नितिन गडकरी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को उनके ही मंत्री ने घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेताओं में विचारधारा की कमजोरी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गडकरी ने कहा कि कुछ नेता हैं जो अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार घट रही है। बिना किसी का नाम लिए गडकरी ने कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तो तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। नितिन गडकरी एक इवेंट में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी बहस और चर्चाओं में विचारों का अलग अलग होना दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडिया की कमी होना दिक्कत है। ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या घट रही है। विचारधारा में जो गिरावट आ रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट, हमें अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी समझा जाता है। ऐसे लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ अच्छा काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता है और खराब काम करने वालों को कभी सजा नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है आखिर में वही उन्हें सम्मान दिलाता है। पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो काम किया है वो संसद में उनकी कही गई बातों से ज्यादा जरूरी है। गडकरी ने इसके साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की भाषण देने की कला की तारीफ की। गडकरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वे ऑटो रिक्शा में चलते थे और उनकी हालत बेहद साधारण थी। उन्होंने कहा कि नेताओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गडकरी ने ये बातें तब कही जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनकी बातों से मोदी सरकार के घिरने का अंदेशा बढ़ रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।